हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों को रेडी कर रही हूँ, यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। और आज थोड़ा सा अंदर से हल्कापन लग रहा था, अच्छी वाली फील नहीं थी। पूजा पाठ सब कुछ हो गया, पूजा पाठ में भी सिर्फ भगवान को स्नान कराया और बस स्नान करा के भोग रख के आ गई हूँ, और कुछ भी मेरे पाठ उठ नहीं हुए आज। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दिन है आज मंगलवार, और बस आज मैं जा रही हूँ मंदिर। थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है, जब भी कुछ ऐसा अंदर से वीकनेस लगती है, कुछ भी अच्छा फीलिंग नहीं होती, तो बालाजी के मंदिर ज़रूर जाती हूँ, हनुमान जी के। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को भी साथ में लेकर चलती हूँ, और थोड़ा सा सब्जी वब्जी भी लेना है। हाँ चलो, तो तुमने आवाज़ ही नहीं दी मुझे। यहाँ पहुँच गई हूँ मैं मंदिर, और मंदिर आने के बाद, इस वाले मंदिर में आने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। तो हमेशा जब भी कभी ऐसा लो फील करती हूँ ना, तो हमेशा ये वाले मंदिर आ जाती हूँ। अब ये मंदिर कहाँ पर है ये मैं भूल गई थी। मेरी काम वाली जो आंटी थी हाउस हेल्पर, उन्होंने भी पूछा था पर नहीं बता पाई थी। रतलाम में हर जगह जाती हूँ, हस्बैंड के साथ जाती हूँ, वहीं से आ जाती हूँ उनके साथ, इसलिए ज़्यादा कुछ पता नहीं है कहाँ पर। पर हाँ, ये मार्केट में है, मार्केट के अंदर हैं ये, और काफ़ी माने हुए बालाजी हैं। जब भी यहाँ आती हूँ मन अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, ये मंदिर नया बन रहा है, तो मैंने कहा चलो दर्शन वगैरह भी कर लेते हैं। और यहाँ देख सकते हैं भोले बाबा की कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी बन रही हैं अभी। और मंदिर में अभी भी काम चल रहा है, 1-2 साल से लगातार काम चल रहा है, और बस जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ना आ गए थे समोसे लेने के लिए। तो जो यहाँ के मैं समोसे ले रही हूँ ना, ये बहुत फेमस दुकान है रतलाम की। तो मैंने कहा चलो समोसे वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि भूख लगी थी और पति देव जी ने बस गिनती के 2 ही समोसे लिए थे। तो बस चटनी ले लो, चटनी रखिए मैडम, चटनी सामने रखिए। नहीं, सिंपल सिंपल दही पर रखते लेंगे अलग से। चलो ये लो, ये पकड़ो, पाव पकड़ो। ये ठीक है भैया, धन्यवाद। थैंक यू भैया। काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रही थी। मेरा ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए मैं गाजर भी खा रही हूँ। गाजर में क्या होता है, कैरोटीन होता है, जो कि हमारे हेयर फॉल को रोकता है। तो मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि आजकल तुम बड़ा अपना डाइट का ध्यान रख रही हो, और मुझे क्योंकि वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख। देखो वैलेंटाइन डे होता है अपने प्यार का इजहार करने के लिए, तो इसीलिए मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। और अभी मैंने एक ऑयल भी मंगाया है अपने बालों के लिए, जो कि न्यूड का है, न्यूड कैरेट सीड ऑयल है, बहुत अच्छा। अभी बैक कैमरा करके आपको पूरी डिटेल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है न्यूड प्रीमियम गाजर सीड हेयर ऑयल, और इसमें ना गाजर के बीज एज अच्छा होता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब हम दोनों के लिए बहुत अच्छा, हस्बैंड के लिए और मेरे लिए भी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे ना हमारा हेयर फॉल कम होता है, और हमें इससे ना चंपी भी कर सकते हैं, अच्छे बालों में बालों की ग्रोथ होगी। और इसमें ना एच कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट से, इसमें विटामिन ए है, कैरोटीन और कैरोटीनाइड्स है, जो बालों की जड़ से मजबूत बनाता है और बालों को झड़ने से रोकता है, और बालों के जो रोम छिद्र होते हैं ना, उनको भी मजबूत बनाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं, जो बालों को यूवी किरणें और प्रदूषण से भी रोकता है। यहाँ तक कि 10% NCI, 20% NCI, इसे 70% टीके हेयरफॉल कम करता है। 1 महीने में हो जाता है कम आपका, बल्कि 1 वीक में ही आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको ना अब चंपी करके दिखाती हूँ। इससे ना आपका तनाव है वो भी कम हो जाता है, सिर दर्द भी कम हो जाता है,
तो फ्रेंड्स, एक कटोरी मैंने निकाल लिया है हेयर ऑयल, और देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपने बालों के पार्टीशन बना के लगाना है। तो मैं आपको बताऊं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आपको नायका, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह आपको ये अवेलेबल है, तो जल्दी से जाइए चेक करिए। तो यहाँ अब हम लोग खा रहे हैं अपना समोसा, तो आगे आगे देखते जाइए, बहुत मज़े आने वाले हैं। और रास्ते से हमने ना थोड़ा सा दही ले लिया था, लस्सी ले ली थी, ब्रेड ले लिया था, जो कल बच्चे स्कूल जाएंगे ना तो काम आएगा। और मैं आपको बताऊं, मम्मी जी पापा जी नहीं हैं तो घर ऐसा खाने को दौड़ता है बिल्कुल भी, इसीलिए मेरा मन और अच्छा नहीं है अंदर से, क्योंकि मम्मी जी रहती हैं ना तो उनसे बातें होती रहती हैं, कहीं ना कहीं मेरा भी मन खुश रहता है। बहुत सारी चीज़ें, खाना प्रॉपर तरीके से सही बनता है, नहीं तो ऐसा होता है कि अभी बना लिया, फिर दोपहर में नहीं बनाया, फिर शाम को कुछ हल्का फुल्का ले लिया। नहीं तो मम्मी जी रहती है ना तो प्रॉपर तरीके से मम्मी जी पापा जी रहते हैं, खाना बनता है ब्रेकफास्ट वगैरह, नहीं तो भगवान बस यही है जल्दी से जल्दी आ जाए, वो एक दो दिन में बस आने ही वाले हैं, फिर देखना मेरा चेहरा कैसा हो जाएगा। और जब वो लोग नहीं रहते ना तो वाकई मुझे भी नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी घर में। यहाँ की है, स्वादिष्ट है यहाँ की चीज़ें, पर ये देखो आलू के अंदर भी मिठास, चटनी भी मीठी, हरी चटनी तक यहाँ पर ये मीठी है, सब में शक्कर है। यूपी में समोसा जो होता है आलू डाल दियो भर के बड़ा था ना, कुछ भी तुमने बड़ा खाया, हमने वो खाया है यूपी में समोसा, कुछ भी वो सीधा एक आलू काटा डाल दिया, कई बार छिलते भी डालू वो बिना छिले आलू पूरा एक समोसा। अच्छा, यूपी में तुमने कोई बरेली के खाए तुम? अरे समोसा बता रहा हूँ मैं, कितने मिलता हूँ इतने टेस्टी मिलते, लोहे की कढ़ाई में वो लेकिन डालते इतना बड़ा आलू ही, बस आलू लिया डाल दिया सोर क्या आपकी। चलो तुम्हें खिलाएंगे हम अपनी दीपा बुआ के यहाँ के समोसे। अरे दीपा बुआ मैं पड़ोस में है तो उनके हमारे गांव में उनके यहाँ के समोसे वगैरह फेमस है, मिठाई तो आपके समोसे बाहर खाना, घर से बन के जाते हैं उनके आलू नहीं, तो होना भी घर से बन के जाते हैं आलू, और खाली आलू डाल देते हैं उसमें कुछ भी। देखो आलू ये भी मीठा, इसके अंदर का जो इसमें भी मिठास है, ये लाल चटनी ये भी मीठी, हरी चटनी ये भी मीठी, तभी यहाँ के लोगों को शुगर भी पी इतना। मीठा खाओ और मीठा बोलो, ठीक है ना, बस ये कि मीठा मत बनो मीठा मत बनो, जानते क्या मतलब मीठे का, क्या मतलब होता है मीठे मतलब, मीठा मीठा लोग बोल के काम निकाले। अरे नहीं किसी को बताओ आप वैसे तो बताते हो कि मीठे मतलब क्या होता है। चलो हो गया खत्म, फिनिश। चले गए हैं ड्यूटी, अपने पापा आने वाले थे 2 बजे का, उन्होंने टाइम दिया था, 2 बज गए हैं करेक्ट, पर आए नहीं अभी तक। चलो वेट करती हूँ ऊपर चल के, तब तक ना कपड़े वपड़े धोती हूँ, थोड़ा सा काम है ऊपर वो भी कर लेते हैं चल के। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े जो धुले हुए हैं हल्का सा मैंने इनको ड्राई कर लिया, जिससे जल्दी सूख जाएंगे, वैसे धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब बस यहाँ पर ठंड मतलब एक तरीके से जा ही चुकी है, बस घर में अंदर ठंड लगती है, वैसे अगर हम बाहर निकलें या छत पे आएँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ठंड अभी इतने दिन ठंडा रहा ना तो घर डबल स्टोरी है, तो इसकी वजह से ना ठंडा रहता ही रहता है घर। तो बस यहाँ पर कपड़े डाल देते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। अरे कैसे लेटी है ये तो महारानी जैसी लेटी है, और महारानी जैसी लेटी है, ओ प्रिंसु मैं आ जाऊं, मैं झूले बैठ जाऊं, नहीं के बच गए हैं 4, पूरी दोपहर ऐसी रही मेरी कि बच्चों को लेने जाना है, हस्बैंड है नहीं, और फिर पापा का इंतजार करती रही, पापा भी अभी तक, हस्बैंड आएंगे शाम को, रात में आएंगे, देखो नायशाही बातें सुनो, तो ना पापा अभी तक नहीं आए हैं,
तो अनिक मैं जा रही हूँ पहले नायशा को ट्यूशन छोड़ के आ जाऊँ, फिर उसके बाद अनिक तुम घर में रहना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पापा आ चुके हैं, करेक्ट पूरे 4:30 बजे आए हैं। नायशा को ट्यूशन छोड़कर आ गई मैं, उसके बाद ही नायशा इतना इंतज़ार कर रही थी नाना आएंगे तो नाना से मिलके ही जाऊंगी, पर चलो कोई बात नहीं, वो आ जाएगी 5:30 बजे तक आ जाती है ट्यूशन से। तो बस अब मैं पापा से हाल चाल लेती हूँ, खुद का भी हाल चाल देती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पापा कह रहे थे गौरी खोल के देख लो सब चीज़ सही है ना, और पापा जब भी आती हैं ना ऐसी भर भर के चीज़ें, फल फ्रूट लेके आते हैं, मिठाई भी। तो मिठाई पापा ना काजू कतली लेकर आए, क्योंकि वो मुझे पसंद है, मुझे भी पसंद है, गीता को भी पसंद है, गीता की बेटी को भी पसंद है, हम सबको ना ये बड़ी अच्छी लगती है।